अनजानी राह में तुम क्या ढूंढता फेरे, दूर जिसको समझाओ तो पास है तेरे, ढूंढता रहा तो कहीं सोच बादलों की तरह, कहीं से तुझे आते सदा तो तेरा मोहन जाना, मेरा भी आशियाना, अनजानी राह में तू क्या ढूंढता फेरे। Let's start first. Welcome to INS TV. How are you guys? We are Very good. good. How How are are you? you? I'm also good. So, I want to start off with the process of, recreating this classic song which a lot of people, relate to. Bachpan ki yaadein hain kaafi logon ke saath mein us gaane se. So, just like you said, Bachpan ki yaad, I think both me and Jigar have grown up listening to this song. It's an iconic song, and koi aisa college jam ya koi aisi म्यूजिकल यू नो स्टे ओवर नहीं रही होगी कि जिसमें ये गाना हमने नहीं गाया हो. सो यू नो व्हाट वी थॉट इज कि अगर इस चीज का प्रेशर ले लेंगे कि ये इतना बड़ा गाना है, इसको रिक्रिएट करना है, लोग क्या सोचेंगे एक्सेट्रा, तो वो नहीं कर पाएंगे जो करना है. द शो इटसेल्फ, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ अलाउज टू म्यूजिक कंपोजर्स टू लव ईच अदर्स वर्क एंड एड देयर ओन फ्लेवर. सो रिक्रिएशन के कॉन्सेप्ट को ना कहीं ट्रिब्यूट के रूप में ले आया है ये शो. सो एंड वी लव पॉली, ही इज लाइक अ फादर फिगर, यू नो ही इज अ रियल लाइफ मेंटर. तो फॉर मी एंड जिगर वाज स्पेशल कि हम कुछ ऐसा करें कि जो यू नो दैट एड्स लिटिल बिट ऑफ सचिन जिगर फ्लेवर टू यूफोरिया सॉन्ग. सो व्हाट वी थॉट इज वील कीप इट सिंपल फॉर आवरसेल्फ्स, वी लव दिस सॉन्ग तो वी विल ट्राई टू लव इट अ लिटिल मोर. That's what we thought. So we've taken parts of the song, which are inseparable to the song, and then we have, rearranged the order, and we have added a few lines, so as to make it like a story. Because I believe Polly is a storyteller. Euphoria itself is a storyteller. Every time a song drops, it will be like a story. So we try to give it a story sort of a structure. And also like Sachin said that this song, it's like a recreation ko tribute form kar diya hai, and we have seen so many recreations coming out of Bollywood these days. What do you have to say about this trend and how, revisiting old songs, whether for good or bad? See, me and Jigar believe that we were built, throughout our process of becoming however far we have reached. हमको ऐसा लगता है कि वी वर बिल्ट टू क्रिएट ओरिजिनल म्यूजिक एंड आवर हार्ट थ्राइव्स फॉर एवरी सॉन्ग दैट इज रिक्रिएटेड. यू नो माय मी एंड जिगर यू नो फील द पिंच अ लिटिल बिट बिकॉज वी हैव बीन म्यूजिक अरेंजर्स ऑल आवर लाइफ बिफोर वी बिकम म्यूजिक कंपोजर. वी वर्क विद राजेश रोशन जी, वी वर्क विद प्रीतम सर, वी वर्क विद संदेश कांडलिया जी, वी वर्क विद अनु मलिक सर, सो मेनी पीपल. सो एक म्यूजिक कंपोजर जिस प्रोसेस से पास करता है टू क्रिएट अ सॉन्ग विच इवेंचुअली बिकम्स सक्सेस, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो इतना नहीं चला हो, हर गाने का एक प्रोसेस होता है. यू इन्वॉल्व अ सर्टेन म्यूजिशियन, यू गेट अ रिफ, देन यू बिल्ड अ ट्यून ओवर इट, तो गाना बनते बनते बनता है और इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. और इट्स जाया है कि इट जाहिर है कि यू नो द म्यूजिक कंपोजर्स विल बी अटैच टू दैट प्रोसेस. तो मैं और जिगर उस तरह से एक गाने की अरेंजमेंट से अटैच हो जाते हैं. अब दिक्कत ये है, दिक्कत इज नॉट विद रिक्रिएटिंग रियली, बट दिक्कत ये है कि आप एक सुपरहिट गाने को उसकी फिल्म, उसके कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट से, उसके स्टोरी के बैकड्रॉप से निकाल करके यू यूज इट फॉर प्रमोटिंग अ एब्सोल्युटली डिफरेंट फिल्म. एंड एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, यू नो दैट मी एंड जिगर आल्सो बिलीव कि देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट वेयर पीपल थिंक कि यार मुझे एक हिट गाना चाहिए, या मतलब ऑलरेडी जो सुपरहिट गाना है, जो प्रूवन टेस्टेड एंड प्रूवन है, उसी को मैं थोड़ा सा रिक्रिएट करते रहते. तो उस मेंटालिटी से मुझे और जगह को दिक्कत है कि बिकॉज वी थिंक कि अगर ओरिजिनल म्यूजिक बनेगा ही नहीं तो आगे रिक्रिएट क्या करेंगे.
तो ट्रू मी एंड जिगर हैव ऑलवेज टेकन अ स्टैंड कि जहां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या स्टोरी की बहुत मतलब बहुत ही स्टॉन्च रिक्वायरमेंट है कि ऐसा कुछ करें, और जब पूरी एल्बम हम लोग कर रहे हैं तो वी डोंट माइंड डूइंग वन मोर सॉन्ग एज एन एडिशनल रिक्रिएशन, बिकॉज मे बी दे आर गोइंग टू यूज दैट एज द प्रमोशनल टूल. बट इफ यू आर ऑफर्ड अ फिल्म की जिसमें ऑनसेम्बल है तो पहले हम वो फिल्म ही नहीं करेंगे. बट अगर इफ यू आर ऑफर्ड अ फिल्म की जिसमें चार रिक्रिएशन करने, तो मी एंड जिगर आर नॉट वेरी कीन अबाउट दोस टाइप प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो आई थिंक मी एंड जिगर आर नॉट इक्विप्ड टू डू दैट. इट्स अ स्पेशलाइज जॉब. इट्स फॉर समबडी हु कैन यू नो डिटैच themselves from the original arrangement and original the way it was created, and it's a specialized job. So with all due respect to everybody who's doing well for recreations, me and Jigar don't think we have it in us to do good recreations. And like you just said that this is your school of music, like from where you come. But tell me, how do you think this times of music has changed in this industry? And you know, what's the change that you would like to see in the near future? See, what Times of Music is doing is getting the music and the music composer in the limelight. When you watch a song, primarily in India, because music is all about Bollywood or entertainment is all about Bollywood, which is a lovely thing. There is nothing against that. But जब भी आप कोई गाना सुनते हो तो आप सबसे पहले एक्टर का फेस देखते हो. You know, and an actor is lip syncing. Now that is our tradition, and there is nothing wrong with that tradition. But what is happening because of that tradition, के जो आदमी actually music बना रहा है या जो music actually बन रहा है, वो overshadow हो जा रहा है. वो उन उनको limelight नहीं मिल पा रही है, और उनका गाना चाहे popular हो जाए पर उनका उनका काम popular होता है पर उनका face और उनका नाम नहीं popular होता है. You know, like we have so many times faced के ओ वी लव योर सॉन्ग साइबो, बट ओ अच्छा आप लोग सचिन जिगर है. यू नो सो दैट एंड दैट इज इन अ वे नो इन डजेंट हैपन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड आई बिलीव. यू नो इट सब 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 लोगों को अपना ड्यू क्रेडिट मिलता है, अपना ड्यू रिस्पेक्ट मिलता है. सो आई फील वॉट टाइम्स ऑफ म्यूजिक इज डूइंग इज शेडिंग लाइट ऑन द कंपोजर इटसेल्फ, कि इस आदमी ने ये गाने के बारे में सोचा था, इस आदमी ने इस गाने को कंसीव किया था, उसके बाद एक सिंगर ने आके इसको गाया, उसके बाद एक डायरेक्टर को ये पसंद आया, उसके बाद एक एक्टर इसमें आया. यू नो सो इट काइंड ऑफ मेक्स द म्यूजिक मोर इम्पोर्टेंट, इट मेक्स द म्यूजिक कंपोजर मोर इम्पोर्टेंट. एंड अगर ये चीज कंटिन्यू होती रही तो आई थिंक मोर पीपल विल गेट एस्पायर टू बिकम म्यूजिक कंपोजर्स, क्योंकि वरना इट बिकम्स अ जॉब विच इज पर्दे के पीछे. यू नो एंड मोस्ट ऑफ अस म्यूजिशियंस or any artist would love to get the respect and the name and the fame that comes with the music. So I think it is a lovely thing, and it is only going to help people get into composing music even more. And it's such an important thing because India, it's very true point that India mein a lot of people relate the song to the actors who's lip syncing, that we don't know ki to ye gana usne gaya. The people would know the song but not the singer, which is kind of Yes, shows where we are lacking. because even in award ceremonies, right, when a song is celebrated, it is celebrated through an actor coming and dancing on it. You know, when other than a music show, मुझे नहीं लगता है that and what are these award ceremonies about, right? It is about actors coming and performing. It's actually a TV show, and in that TV show, they are performing songs that are made by the composers. जिस जो कंपोजर को शायद उस शो में बैठने के लिए इनवाइट भी नहीं किया जाता. यू नो सो इट इज द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट, दैट जिस आदमी ने उस गाने को बनाया है, जिस आदमी ने उसको कंसीव किया है, उस पर थोड़ी सी लाइट दी जाए, और उस गाने को बनने के पीछे कितनी मेहनत गई है जो शायद किसी को पता नहीं होता. यू नो इट इज अ वेरी वेरी हेल्दी प्रोसेस, और जो आप देखते हो स्क्रीन पे इज अ आउटकम ऑफ सच हार्ड वर्क. So I think it is giving limelight to the hard work, and I think it will go across more nicely to everyone. आप देखेंगे दुनिया भर में जिसका चेहरा नजर आता है, whether it is a singer who's featuring himself in a in the music video of his song, or if it's the actor, if it's for a film, is the person you remember, and you can't blame the audience because वो जो देखती है उसी को विश्वास करती है.
But now let's take classic examples of artists like Charlie Puth, Ed Sheeran. These guys were composers before. They used to compose for other artists. It's only when they started putting their face to their music is when people started to realize who they are, what is their worth, etc. तो मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में 125 करोड़ लोग हैं और म्यूजिक कंपोजर शायद उंगलियों से गिन सकते हैं, मतलब 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, शायद 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 100 होंगे, फिर भी 100 इज अ वेरी बैड नंबर इफ यू कंपेयर इट टू द पॉपुलेशन. तो मैं When you the second part of your question, when you said what is the change you would like to see in the music industry, I would want to see people start putting belief in their own talent and start building their own fan base, start putting their face to their music. And I would love to see these creators come out of the closet. क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं, लिरिक राइटर्स हैं, और भी जैसे टेक्निकल क्रूज है, जैसे डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, तो म्यूजिक के रिलेटेड जो टेक्निकल लोग हैं, जैसे म्यूजिक इंजीनियर है, म्यूजिक अरेंजर है, तो आई वुड लव टू सी इफ द क्रिएटर्स कम आउट ऑफ द क्लोजेट एंड इफ एवरी क्रिएटर कैन फाइंड हिज ओन फैन बेस सो दैट इट डजंट हैव टू डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन द फिल्म वर्क दैट कम्स हिज वे. That's true. And you know, times are such that we are talking through technology. I want to know that how did this lockdown or this pandemic, you know, affect you creatively? Like, did it channel more thoughts about the music that you want to go or reassess the, like, did it influence in some way? It does influence, right? And it has influenced Sachin and me in very, very different ways. You know, we are people who get inspiration from other people. You know, मतलब मैं घर पे बैठे बैठे, आई डोंट थिंक आई कैन इंस्पायर माई सेल्फ. आई नीड टू टॉक टू मोर पीपल, चाहे वो बात पार्ले जी बिस्किट के बारे में हो, बट आई नीड टू हेयर समबडी एल्स स्पीक, यू नो, समबडी हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दैट्स वेयर आई गेट ऑल माई आइडियाज फ्रॉम. या फिर कोई स्क्रिप्ट पढ़ो, या फिर कोई यू नो स्टोरी पढ़ो. सो बिकॉज वी हैव बीन सो मच इन टू बॉलीवुड, सम इट एंड इट इज ऑल अबाउट मीटिंग एंड हियरिंग नरेशंस एंड यू नो रीडिंग स्क्रिप्ट. तो इन दिस लॉकडाउन इन द फर्स्ट 1.5 मंथ 2 मंथ्स आई डोंट थिंक एनी बडी वॉज डूइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. देर वॉज नो स्क्रिप्ट, देर वॉज नथिंग. तो मेरे लिए इट वॉज नॉट अ ग्रेट फेज. आई वॉज नॉट इंस्पायर्ड एट ऑल. इट वॉज एक्चुअली जीरो जीरो इंस्पिरेशन. सो आई डिसाइडेड टू पुट ऑल माई टाइम इन टू लर्निंग म्यूजिक. जितनी जितनी हमारी प्रैक्टिस छूट गई थी, जो हम नहीं कर पाए थे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, दैट्स वॉट आई डिड. एंड आई ट्राई टू बिकम 1% बेटर म्यूजिशियन देन वॉट आई वॉज बिफोर लॉकडाउन. बट इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन आई वॉज जीरो इंस्पायर्ड, बिकॉज इफ आई डोंट मीट पीपल, इफ आई डोंट गो आउट, इफ आई डोंट सी रोड एंड बीच एंड बिल्डिंग्स, आई डोंट थिंक आई कैन एवर बी इंस्पायर्ड. बट सचिन हैज अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट दिस. So what happened is I feel in a way the lockdown has corrected us, has helped us understand what is adequate, what you really need, and what are the things you can lose. So that sense of self-reliance, a sense of finding, you know, my core, where I can find peace, I think it was very I think it was very introspective, this phase for me. And that's why I just, you know, maybe first 10, 15 days, just like Jigar said, I was a little bit indifferent. I didn't know what to do with so much time. बट इतना सारा वक्त जब मेरे पास था, तो आई डिसाइडेड टू डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग, यू नो, सॉन्ग्स दैट वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू अदरवाइज डू, बिकॉज यू नो ज्यादा टाइम बॉलीवुड या स्टेज शोज में चले जाते हैं, ट्रैवलिंग में चले जाते हैं. सो चूंकि मेरे घर का माहौल भी बहुत रिलीजियस है, सो आई कंपोज द भजन, वी शॉट इट एट होम, आई पुट इट अप ऑन माई यूट्यूब. सो आई इनफैक्ट आई रियलाइज दैट यू नो दैट वॉट एवर इंस्पिरेशन आई नीडेड टू सीक समवेयर, आई फाउंड इट इनसाइड मी इन दिस सोलेस, इन दिस पीस. सो यू नो एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट मी एंड जिगर एज अ कॉम्बिनेशन, दैट वी आर डिफरेंट पीपल, वी थिंक डिफरेंटली, एंड बिकॉज दीज टू थॉट्स आर सो डिफरेंट, इट्स ऑलवेज ईजी फॉर अस टू असेस, यू नो, बिकॉज अगर मैं कुछ बनाऊँ, मैं बहुत एक्साइट हो जाऊँ, तो आई कैन बाउंस इट ऑफ विद जिगर एंड आई ट्रस्ट हिम सो मच,
जब वो मुझे कहता है कि नहीं यार दिस नॉट वर्किंग, तो आई कैन गो बैक टू माई डेस्क एंड आई कैन रीडू सम थिंग्स, और वी कैन बोथ देन, और आई कैन आस्क हिम टू देन चिप इन, एंड यू नो दैट इज हाउ आवर म्यूजिक इज वॉट एवर इट इज, बिकॉज वी फाउंड अ स्वीट स्पॉट यू नो इन आवर रिलेशनशिप, कि जहां पता चल जाता है कि हाँ फ्रॉम दिस पॉइंट द सॉन्ग हैज टू गो फॉरवर्ड, नॉट ओपिनियंस. So in this lockdown, apart from inspiring myself, I've tried to inspire Jigar too, and you know, now that the unlock has started to happen, we have started getting back to work slowly. We're still taking nice and easy, still safe at home, so we're not going to the studio. So that is one thing you miss, you know, being together, jamming, and that whole instant thing that happens while the making of a song. But yes, we, like you said, figured out ways on from this digital world to stay connected and help you inspire each other. But like I said, it's unlocking, but you know, people have apprehensions to go out. It's not safe to go out actually. True, But what do true. you think will be the future when it comes to music tours or concerts or stage shows, which people, you know, bring people together? It's an experience altogether. Yeah. See, firstly, I don't think that you know that live shows won't happen. I don't think that time won't come back. And I'm a extremely assertive person, you know. So I would want to believe that sooner or later we'll get over this. So firstly, I would not really panic about kya hoga, क्योंकि होगा, सब सही होगा. So yeah, you know. Now, but let's say if we were to think a little more conservatively, ki, what are our options? So, in this lockdown, me and Jigar have done about 8 or 9 e-concerts. Okay, so maybe which is not, you know, it is obviously you cannot even compare it to the feeling of being live on stage with your fans, you know, with so many fans, thousands of fans singing your song, lip sync with you. So that feeling is not there, because in the e-concert you're watching a screen and you don't even know who's doing what, etc. But yeah, we are getting around it. E-concert have become a thing. Thank you, and best of luck for your future project. Pleasure is all ours. Thank you so much. Thank you.